ओके तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाले सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन की जो आपको 5G टेक्नोलॉजी भी देंगे और साथ ही उन स्मार्टफोन में आपको उनकी कैमरा क्वालिटी, उनकी डिस्प्ले और साथ ही उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और कीमत दोस्तों इन स्मार्टफोन की होगी 15,000 रुपये से भी कम। तो वीडियो को जरूर देखें अगर आप कोई नया स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं और आपका दिमाग इस टाइम 5G की तरफ। वैसे तो 5G आया नहीं है लेकिन जल्दी ही आने भी वाला है इंडिया के अंदर। तो 5G स्मार्टफोन की ज़्यादा चर्चा है, ज़्यादा परचेस कर रहे हैं लोग। तो आपके लिए दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं उसे टॉप 3 5G स्मार्टफोन जिनकी कीमत 15,000 रुपये से भी कम होने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम रियलमी के स्मार्टफोन से। रियलमी का पहला स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 30 5G। सो नार्जो 30 एक 4G वाला वेरियंट भी है, नार्जो 30 5G एक अलग वेरियंट है। स्मार्टफोन की कीमत दोस्तों आपको देखने को मिलती है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज की 14,999 रुपये। सारे दोस्तों आप याद रहे जितने भी तीनों स्मार्टफोन मैं आपको बताने वाला हूँ, स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है जो कि दोस्तों 7 नैनोमीटर पर काम करता है। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी इन तीनों ही स्मार्टफोन में। साथ ही दोस्तों रियलमी नार्जो 35G की अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और डिस्प्ले का साइज भी काफ़ी अच्छा है, रिफ्रेश रेट आपको 90 हर्ट्ज का देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, गेमिंग परफॉर्मेंस मूवी देखना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। वहीं दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी और इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको बैक पे तो दोस्तों ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48 के प्राइमरी सेंसर वाला, 2 का माइक्रो 2 का 10 सेंसर है। फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल की इसके अंदर सेल्फी देखने को मिलती है, फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा ही आपको फोटोग्राफी कर देता है। वहीं दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी, तो दोस्तों स्मार्टफोन में 5000mAh की एक बड़ी पावरफुल बैटरी आपको देखने को मिल जाती है 18V के फास्ट चार्जर के साथ। कैमरा क्वालिटी और बैटरी में तो आपको ज़्यादा अच्छा ये स्मार्टफोन देखने को मिलता ही है। साथ ही इस स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और दोस्तों इसके अंदर 3.5mm जैक का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का है, रियलमी नार्जो 30 5G वेरिएंट। आप 30 की तरफ मत चले जाना, 5G वेरिएंट एक अलग स्मार्टफोन है। और अब दोस्तों बात करें चले अगले स्मार्टफोन की तरफ जो कि दोस्तों अब हमारा होगा रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 10T। दोस्तों ये भी एक लेटेस्ट रेडमी की तरफ से 5G ही स्मार्टफोन है जिसकी कीमत दोस्तों आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की वही 14,999 रुपये ही देखने को मिलती है। सारे दोस्तों स्मार्टफोन में भी वही 7 नैनोमीटर वाला मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों अगर स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। साथ ही इसके डिस्प्ले में भी आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, रिफ्रेश रेट आपको भी 90 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, लेकिन इसकी डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। वहीं दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी और इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको सेम रियलमी नार्जो 35G वाले वेरिएंट जैसा ही देखने को मिलता है, जैसे कि इसके ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप, 48 के प्राइमरी सेंसर वाला, 2 का माइक्रो 2 का 10 सेंसर, लेकिन इसके अंदर फ्रंट में आपको 8 ही सेल्फी देखने को मिलती है जो कि आपको नार्जो वाले में 16 की सेल्फी देखने को मिलती थी। तो सेल्फी में थोड़ी कमी है लेकिन फोटोग्राफी लगभग समान आपको देखने को मिलती है। बैटरी भी आपको सेम देखने को मिलती है, 5000mAh बैटरी, 18V का फास्ट चार्जर और साथ ही साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रेडमी नोट 10T में भी देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन डिजाइन में कोई कमी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों अब चलें अगले स्मार्टफोन और हमारी लिस्ट में आने वाला सबसे आखिरी स्मार्टफोन जो कि दोस्तों हमारा होगा पोको की तरफ से, पोको M3 प्रो। दोस्तों स्मार्टफोन की 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत है 14,499 रुपये। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, वही 7 नैनोमीटर पे काम करने वाला एक गेमिंग और कमाल का 5G प्रोसेसर। और साथ ही इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको सेम ही देखने को मिलती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले आपको सेम है रेडमी नोट 10T की तरह ही, साथ ही फ्रंट कैमरा बैक कैमरा भी सेम है, 48 के प्राइमरी सेंसर के साथ, 2 का डेप्थ 2 का माइक्रो लेंस है, फ्रंट में वही 8 की सेल्फी है। बात करें इसकी बैटरी की तो वो भी सेम आपको देखने को मिलती है, 5000mAh की बड़ी बैटरी, 18V का फास्ट चार्जर और साथ ही साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इस स्मार्टफोन में ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों यही है इंडिया में आने वाले सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन जिनके अंदर कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। वैसे तो आपको तीनों स्मार्टफोन में लगभग एक जैसे ही फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका प्रोसेसर हो गया, उनकी डिस्प्ले हो गई या उनका कैमरा हो गया, लेकिन दोस्तों अब आपको उनसे स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए क्योंकि तीन स्मार्टफोन थोड़ी परचेस करेंगे, इनमें से एक ही आपको लेना है। और आप इस वीडियो में इतनी देर इसलिए बने क्योंकि आपको कोई 5G स्मार्टफोन परचेस ही करना है। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा अगर आप फ्रंट कैमरा अच्छा चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों नार्जो 35G वाले में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई तो फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों याद रहे अगर आपको बैक कैमरा ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप जा सकते हैं रेडमी नोट 10T की तरफ
या फिर पोको M3 Pro की तरफ। अब डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में दोस्तों तीनों स्मार्टफोन का डिजाइन अलग है, लेकिन तीनों स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अच्छा है। आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आया आप उसकी तरफ जा सकते हैं, बेझिझक जा सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी कंपनी की तरफ से आते हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है इनकी, आपको सर्विस सेंटर भी आपको पड़ोस में ही इनके देखने को मिलते हैं। तीनों ही कंपनी काफी अच्छी है, वैल्यू पर कंपनी है, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनी भी अब पुरानी हो चुकी है। तीनों ही अगर की बात करूं तो कोई सा भी स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं, तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं। और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जाएं Redmi Note 10 T की तरफ, क्योंकि दोस्तों मेरी तरफ से एक आपको एडवाइस रहेगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।